हेलो फ्रेंड्स, आज हम विंटर सीजन के लिए स्पेशल गुंडर पाक बनाएंगे। इसे गुंडर की पेंड और गोंड का हलवा भी कहते हैं। विंटर सीजन में इसे रोज सुबह खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss the video from the easy food recipes. गुंडर पाक बनाने के लिए मेन चीज है गुंडर यानी गोंड। ये हमने एक कप यानी 200 ग्राम जितना लिया है और ये बावर का गोंड है। विंटर सीजन में ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। 80 ग्राम यानी 80 ग्राम जितने बादाम लिए हैं, 1/4 कप काजू, 1/4 कप पिस्ता, 1/4 कप चिरौंजी, 1/4 कप अखरोट और 1/4 कप मेलन सीड्स। ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम चिली कटर में क्रश करेंगे। 1/2 कप यानी 100 ग्राम जितना सिंगाड़े का आटा, 2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टीस्पून गोखरू पाउडर। गोखरू एक तरह का कंटक होता है, उसका ये पाउडर है। 3 टीस्पून कमल काकड़ी का पाउडर। कमल काकड़ी को रोस्ट करके ऊपर के छिलके हटाकर अंदर का जो मावा निकलता है उसका ये पाउडर बनाया है। और विंटर सीजन में इसके सेवन से बैक पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। 2 टीस्पून सौंठ पाउडर, 2 टीस्पून गंठोड़ा पाउडर, 1 टीस्पून बटरीसू पाउडर। इसे 32 तरह के मसालों को मिक्स करके बनाया जाता है और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। गुंडर पाक बनाने के लिए ये हमने देसी घी लिया है और ये होममेड देसी घी है। 600 ग्राम यानी 600 ग्राम जितनी मिश्री ली है और इसे पीस कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। और गुंडर पाक में डालने के लिए 1.5 लीटर मिल्क लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने चिली कटर में क्रश कर लिया और थोड़े से बादाम और पिस्ता को इस तरह से बारीक काट कर रेडी कर लिया है। अब गोंड को घी के साथ फ्राई करने के लिए गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को गैस के चूल्हे पर रखेंगे। गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखनी है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना देसी घी डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो अब उसमें गोंड फ्राई करने के लिए डालेंगे। सारा गोंड एक साथ में फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करेंगे। गोंड फूल कर हल्का सा गोल्डन कलर का हो चुका है तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारा गोंड फ्राई करके रेडी करेंगे। फ्राई किए हुए गोंड को मिक्सर जार में डालकर इसे पीस कर रेडी करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे गोंड की हम पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। सारे गोंड को फ्राई करके उसे पीस कर रेडी कर लिया है और मिश्री को भी हमने मिक्सर जार में पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। अब सिंघाड़े के आटे को सौटे करेंगे तो गैस ऑन करेंगे और उसी कढ़ाई को गैस की आंच पर रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो अब उसमें सिंघाड़े का आटा डालेंगे और उसे घी के साथ मिक्स करेंगे। अगर घी कम लग रहा है तो 1 टेबलस्पून जितना घी और ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम से लो रखेंगे और सिंघाड़े के आटे को हल्का सा गोल्डन कलर का सौटे करेंगे। आटे को सौटे करने के लिए घी अगर कम लग रहा है तो 1 टीस्पून जितना घी ऐड करेंगे और आटे के साथ मिला लेंगे। सिंघाड़े का आटा सौटे होकर रेडी हो चुका है तो अब इसे भी गोंड के साथ उसी बाउल में निकाल लेंगे। अब क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स को सौटे करेंगे तो उसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो अब उसमें क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और घी के साथ मिला लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम से लो रखकर इसे भी हल्का सा गोल्डन कलर का सौटे करेंगे। घी अगर कम लग रहा है तो 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। टोटल हमने इसमें 5 टेबलस्पून जितना घी यूज किया है। ड्राई फ्रूट्स में हमें लगातार स्पून से तले तक चलाते रहना है। अब ये सौटे हो चुका है तो गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कमल काकड़ी का पाउडर ऐड करके मिला लेंगे। गोंड वाला मिश्रण अभी बहुत गर्म है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम उसमें मिल्क ऐड करके मिलाएंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे और मिला लेंगे और इसे एक बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वापस गैस के आंच पर रखेंगे। मिल्क हमें सारा यूज़ कर लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और गोंड वाले मिश्रण को मिल्क के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब जब तक ये उबल कर थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही गैस की आंच पर रखेंगे और स्पून से चलाते रहेंगे। इसमें हम मिल्क की जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल्क यूज़ करेंगे तो उसमें गोंड पिघल भी जाएगा और ये बिल्कुल हलवे के जैसा लगेगा। इसमें हमने पिसी हुई मिश्री ऐड कर ली है, अब बाकी बची हुई मिश्री भी ऐड कर लेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें गोखरू पाउडर,
सौंठ पाउडर, कंठोड़ा पाउडर, बटरिसू पाउडर और इलायची पाउडर ऐड करके मिला लेंगे। इस तरह से गुंडर पाक बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें गोंद है। और विंटर सीजन में सुबह गोंद के साथ मिल्क लिया जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब ये गाढ़ा हो चुका है तो गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। गुंडर पाक रेडी हो चुका है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक स्टील के कंटेनर में निकाल लेंगे और ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड करके मिला लेंगे। तो ये हमारा हेल्दी और शक्तिवर्धक गुंडर पाक रेडी हो चुका है। इसे हम सुबह के नाश्ते से पहले 2 से 3 टेबल स्पून जितना खा सकते हैं। गुंडर पाक के कंटेनर को दिन के वक्त में हम फ्रिज में रखेंगे और रात को इसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे सुबह खाना है तो सुबह तक ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका होगा। इस तरह हम इसे 5 से 6 दिन के लिए खाने में यूज कर सकते हैं। तो इस विंटर सीजन में आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिए और इस तरह से गुंडर पाक बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह से मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।